गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को गर्भ अवस्था के समय कुछ ऐसे जोखिम होते हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समस्या भी देखने को मिल सकती है, जिसमें गेस्टेंशियल डायबिटीज यानी कि गर्भावधि मधुमेह भी एक है, जिससे न केवल माँ को बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी खतरा रहता है। यदि किसी महिला में इस तरह के जोखिम होते हैं तब उन्हें अधिक केयर करने की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, आपको लगातार डॉक्टर की देखरेख और निगरानी में रहने की जरूरत होती है ताकि आप किसी भी तरह के खतरों से बच सकें। आपको बता दें कि गर्भावधि मधुमेह यानी कि गेस्टेंशियल डायबिटीज तब होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान आपके खून में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपके शरीर को अतिरिक्त इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि भ्रूण की जरूरतों और आपकी अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सके। जब प्लेसेंटा के हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देते हैं तो शरीर इसके अतिरिक्त इंसुलिन की मांग को पूरा नहीं कर पाता और इस स्थिति में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और महिला गेस्टेंशियल डायबिटीज की शिकार हो जाती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके, नहीं तो ये बेबी को प्रभावित कर सकता है। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज गेस्टेंशियल डायबिटीज की शिकार हो जाती हैं। ये इतना कॉमन है कि हर 6 में से एक महिला को गेस्टेंशियल डायबिटीज हो जाता है, इसीलिए इसे नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस दौरान शिशु के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ सिजेरियन डिलीवरी द्वारा बच्चे के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं कि गेस्टेंशियल डायबिटीज से होने वाले खतरों के बारे में। दरअसल इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर और मूत्र में प्रोटीन निकलने जैसी समस्याएं होने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में शुगर से ग्रस्त महिलाओं में गर्भ अवस्था के बाद टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ मामलों में मिसकैरेज का जोखिम भी होता है। इस दौरान बच्चों में जन्म के बाद पीलिया होने का खतरा रहता है। आइए अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं को अपने आहार में ऐसे कार्बोहाइड्रेट को शामिल करना चाहिए जिससे कि धीरे धीरे शुगर निकलता हो, जैसे साबुत अनाज, भूरे चावल, चोकर, जई या रागी। साथ ही वसा युक्त मांस के बदले कम वसा वाले प्रोटीन जैसे कि चिकन, मछली और दलहन आदि का प्रयोग करें। अगर गर्भ अवस्था से पहले आपका वजन सही था तो प्रेगनेंसी के 9 महीनों में आपका वजन 10.5 किलो से 11 किलो तक बढ़ सकता है। अपने जूस या ड्रिंक में अतिरिक्त शुगर न डालें। हमेशा कोशिश करें कि मीठे का प्रयोग कम से कम हो। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि प्रेगनेंसी के दौरान फिट और एक्टिव रहना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में काफी मदद करता है। ऐसे में इस दौरान कई तरह के हल्के एक्सरसाइज जैसे कि योग, पिलाटीज, टहलना, तैराकी आदि आप कर सकती हैं। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।